पारस्परिक संबंध कौशल को बताते हुए विभा मैम द्वारा इसको स्पष्ट किया गया, जिसमें श्वेता मैम द्वारा संप्रेषण एवं भावना प्रबंधन को बताया गया। पारस्परिक संबंधों की आधारशिला वाले गुणों को बताया गया। विवेक स्वर द्वारा अंतर वैयक्तिक संबंध पर चर्चा करते हुए औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंध को स्पष्ट किया गया। इसके पश्चात गतिविधियां कराई गई, जिसमें जहां एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर मंचन कराते हुए रूढ़िगत समस्याओं को दूर करने पर बल दिया गया, वहीं आज के प्रगतिशील दौर में अपराध के बदलते स्वरूप पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास साइबर क्राइम पर मंचन करा के स्पष्ट किया गया। वक्ता श्रोता के बिना संप्रेषण असंभव, विभा मैम द्वारा बताया गया। संप्रेषण कौशल कैसे, इस पर चर्चा कराते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। प्रकाश सर द्वारा प्रभावी संप्रेषण की बात की गई। शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण को बताया गया। बच्चों की आयु एवं बौद्धिक क्षमता के आधार पर संप्रेषण के तरीके बताए गए। होरीलाल सर द्वारा कविता के माध्यम से संप्रेषण के प्रकार एवं महत्व को बताते हुए जादू के माध्यम से पूरे माहौल को आनंद से भर दिया गया। और धर्मेंद्र सर द्वारा संप्रेषण को दिखाने एवं समझाने के लिए विभिन्न गतिविधियां कराई गई। और अंत में संप्रेषण के संदेश को वीडियो दिखाकर संप्रेषित करने का प्रयास किया गया। और यहीं से हम सब कल पुनः आने की आशा लिए हुए समापन की ओर अग्रसर हुए, जो कि उपस्थित हस्ताक्षर के साथ पूर्ण हुआ।